अब खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से, जहां पर कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी चर्चा के लिए कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार से जनता नाराज है क्योंकि भाजपा सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ा है। साथ में 27 अप्रैल को पीएम मोदी के कन्नौज में रैली पर भी अखिलेश ने तंज कसा। जनता की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इसलिए नाराजगी है कि 5 साल का जनता ने मौका दिया, आज जनता को निराश कर दिया, खासकर किसान, व्यापारी, छोटे दुकानदार, नौजवान, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े, हर वर्ग के लोग दुखी हो गए हैं। कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसके लिए इन्होंने कोई ऐसा फैसला लिया हो जिससे खुशहाली आई हो। 5 साल गुजार दिए दिल्ली की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार के भी 2 साल गुजर गए और दोनों सरकारों का हिसाब किताब लगाएगी जनता, आकलन करेगी तो महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, जनता को दुख ज्यादा पहुंचाया है। इसलिए जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोग